हेलो एंड वेलकम गाइस, वंस अगेन दिस इज रुतबे एंड वेलकम टू कॉकटेल ब्रिज। तो आज हम लोग रहमान इंजीनियरिंग एंड लेथवर्क में आए हैं और यहाँ पे हम क्यों आए, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे एक ही स्पेशल रीजन है कि पूरे यवतमाल में जो सीएनसी मशीन और कहीं नहीं है, जिसे हम लोग होनिंग प्रोसेस जो रहती है, जब ब्लॉक को अपन रिबोर करते हैं तो उसके बाद एक होनिंग प्रोसेस होती है, तो होनिंग प्रोसेसिंग के लिए सीएनसी मशीन रहमान हमारे जो रिजवान भाई है उन्होंने खरीदे और उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे आके शूट कर पाए। रिजवान भाई अवेलेबल है रॉयल एंट्री से, हमारे साथ में अभी सुमित भाई भी खड़े और ये रहे हमारे रिजवान भाई। तो रिजवान भाई, आपने जो मशीन खरीदी तो क्या सोच के खरीदी, मतलब बाकी के जो नेटवर्क वाले वो तो ऑफिस मैन्युअली काम कर रहे हैं ना, तो क्या इसमें प्रोसीजर क्या है, कैसा है सब बताएंगे आप हमारे व्यूअर्स। बिल्कुल ऑटोमेटिक, टोटली ऑटोमेटिक, यानी यहाँ पे आपने सब डाल दिया, चेक कर दिया। तो गाइज अब भी हम लोग प्रोसीजर दिखाएंगे कि किस तरह से काम होता है, और ये प्रोसीजर एक्चुअली हैंडल की जाती है नॉर्मली बाकी के लेथवर्क वालों के थ्रू। अभी देखो किस तरह से वर्क करेगा ये होनिंग प्रोसेस। गाइज ये वो जेट है जो कूलेंट की तरह काम करेगा। ब्लॉक जो है फोर व्हीलर का वो आप सेटअप करके इसमें ये भी ट्रैवल करता हूँ, तो इसका मतलब दिन भर में आपको मैक्सिमम कितने आप निकाल लेते हो होनिंग प्रोसेस से? 40 ब्लॉक दिन भर में। और मतलब क्या कॉस्टिंग पड़ी होगी आपको ये मशीन? साढ़े पाँच से छः लाख। तो बाकी के जो लेते वालों ने उन्होंने नहीं लिए, आपने लिए, उसके पीछे में वो रीजन जानना बस। वो हर टाइप की आती है, हर काम के लिए अलग अलग। जैसे एक मशीन दे दी हम निकल लेते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी और एक्यूरेसी की वजह से आपने ये सिलेक्ट किया कि नहीं? और ये जो है एज एन लुब्रिकेंट, यहाँ पे डीजल चल रहा है पानी, डीजल तो आपको कितना डीजल लग जाता होगा? लगता 20 लीटर 15 यानी 15 ब्लॉक के लिए 15 दिन में 20 लीटर लग। तो ये जो डीजल जा रहा है वो रीयूज होता है? अच्छा, फिल्टर होके वापस आता है। तो बहुत जबरदस्त मशीन लगी। तो गाइस अगर आपको अपने मतलब आप किसी भी मैकेनिक के पास जाते हो और उसने आपको अगर इंजन का काम बताया तो कैसा है, कई कई मैकेनिक क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ये लो ब्लॉक, ये लो हेड, जाओ इंजीनियरिंग वर्क्स में जाके काम करो आप। तो अगर आपको इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्लॉक, बोर, हेड, क्रैंक और जो भी होता है लेथ का काम रिलेटेड, तो आप रिजवान भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं।
और अगर इन्हें कॉन्टेक्ट करना है तो इनका जो लोकेशन है वर्कशॉप का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और लोकेशन के हिसाब से मैं बता दूँ, दत्ता चौक जो प्राइम लोकेशन है हमारी यवतमाल की, वहाँ पे आप किसी को पूछ लेंगे वेयर इज द रहमान इंजीनियरिंग, वो आपको बता देंगे। तो आपको अगर कोई काम करवाना है क्लाइंट रिलेटेड, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं व्हाई दिस पर्सन बाय दिस पर्टिकुलर मशीन, जबकि आज भी वो चूँ करके मैंने देखा है बाकी को, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तकरीबन 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, बिकॉज दे लव एक्यूरेसी, उनको काम में एक्यूरेसी पसंद है इसीलिए। तो अगर आपको यहाँ काम करवाना है तो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर इस मशीन के बारे में कोई क्वेरीज है वो भी आप हमको कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। टिल देन गाइस, रिजवान भाई और सुमित भाई के साथ मैं साइन ऑफ करता हूँ इस चैनल से। टिल देन गाइस, राइड सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली, ऑलवेज वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग एंड ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। सी यू अगेन।